लक्ष्मी तो वही संभालेंगी और उनका हक भी है लक्ष्मी पर, है ना। मैं मदद कर दे रहा हूं आपकी, कोई चिंता की बात नहीं है। घर की सारी गड्डियां तुम रख लिया करो। आज जैसे ही मैया ने कहा कि मुनीश्वर संसार की ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे स्वामी ने मुझसे छुपाई है, कि ना 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 मैया एक बात तो है। मुनीश्वर आप ही बता दो कौन सी बात है। मैया आपको पता है क्या कि क्या, कि आप मुझे बताओ कि आपके स्वामी के गले में जो माला है वे कहां से आई है। मैया ने कहा यह बात तो सही है मुनीश्वर, ये तो आज तक मैंने भी खोज नहीं की कि माला आई तो आई कहां से। भाई लोगों को आज भी ये विटंबना है कि भूत पलितों की माला है, ऐसा नहीं है, सुनना वृतांत महाराज। जब जैसे ही मुनीश्वर ने कहा कि मैया आपके स्वामी के गले में जो मुंडों की माला वे कहां से आई है, तो मैया जी सोच में पड़ गई। अब नारद जी अपना काम करके और कैलाश से 9-2-11, 9-2-11 का मतलब जानते हो ना, पर्यायवाची, पुलिस को देखकर चोर का भाग जाना, यही है ना। अब नारद जी ने अपना काम किया और वहां से जल्दी से अपने तंबूरे उठाए और हाथ में करतल पकड़ी और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण करके चलती है। अपनी विद्या को बांट और नारायण नारायण करते करते कैलाश से निकल लिए। अब शाम हुई, बाबा सबको भ्रमण करके आए तो माता जी रूठ कर बैठी है यूं। बाबा कहते हैं प्रिय हुआ क्या, तो इधर तो पूछा और इधर मुंह कर ले। जैसे कभी कभी इन्हें कहीं जानो होए और साड़ी नहीं दिखाओ तो सामने वालों जब भी कहने तैयार हो जा, बेचारा के नंग तो उन्हें मुंडो फेर ले, जबकि तुम्हारे साड़ी दिवा दो तो ही जाऊं नहीं तो नहीं जाऊं। संसार में दो तो हटी है, एक तो बाल हट और एक इनकी हट, ये दो हट कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बालक ने कह दिया पापा मुझे चंदा चाहिए, तो पापा को भले प्लास्टिक का ला के देना पड़े पर देना पड़ेगा। बेटा ने कह दी पापा जी मुझे तो ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, तो पिता को फिर कहीं ना कहीं परेशान होके भले ही मेले जाकर ट्रैक्टर ट्राली लेकर आना पड़े पर लान के दे दे। और महिला ने कह दी कि मारी पड़ोसन कने यह साड़ी है तो यही कलर की असके असर डिजाइन वाली साड़ी मारे भी चाहिए। तो ये हट है और ये दोनों हट सबसे अलग है और इन हटों की आज तक कभी कोई पूर्ति भी नहीं कर पाया है। कर पाया कोई कभी नहीं। आज बाबा शंभू कहते हैं प्रिय सुनो तो सही। तो मैया जी तो चुपचाप बैठी, मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी, बताओ तो सही हुआ क्या।
बाबा शंभू ने अपना दिमाग घुमाया, होना हो। नारद मुनि यहां आए थे और अपना काम कर चले गए। उनने कहा होना हो, आज ऐसा ही कुछ हुआ है। उनने कहा एक काम करो, मैं आपसे तब बातें करूंगी, पहले मुझे ये बताओ कि आपके गले में जो मुंडो की माला ये कहां से आई। तो जो शक था कहीं ना कहीं भी हकीकत में बदल गया कि ऐसा सवाल पूछने वाली आज ये कहां से उत्पन्न हो गई। अभी तक तो ऐसा कोई सवाल नहीं था, अब तो पूर्ण विश्वास है कि जरूर नारद का ही काम है। बताइए तुम्हारे अंदर इतना छल कपट कब से आ गया? तो जो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा ली कि देवी, ये बात आपको बताने की नहीं है। नहीं भगवान, बताना तो पड़ेगी। और आज मैं जानकर रहूंगी तुम्हारे गले में जो मुंडो की माला ये कहां से आई। अब जिद पड़ गई क्या? और अर्धांगनी जब जिद पड़ जाती है तो पति देवताओं को मजबूरी में उसकी बात मानना पड़ती है। मजबूरी बेचारे की। आज जब मां भगवती जिद पड़ी तो उनने कहा देवी बताऊं तो सही, पर आप बुरा मत मानना। कि नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं? नहीं नहीं, आप मानो नहीं। तो सुनो, मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मैं अमर हूं। और तुम जो पूछ रही हो ना ये मुंडो की माला कहां से आई है, तो ये सारे मुंडो की माला आपकी ही है। माता ने कहा कि ये तो आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि हर बार मैं क्यों मरी, तुम क्यों नहीं मरिया? बताइए, कोई इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है क्या? माता ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, पहले तो मेरी बात का आंसर दो कि हर बार मैं ही मरी, तुम क्यों नहीं मरिया? देवी, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, तो भाई अमर कथा मुझे भी बताओ ना, मैं भी अमर होना चाहती हूं। कौन सी अमर कथा है? तब बाबा शंभू ने कहा है धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जो आज फिर राम का वर्णन ने पूछ लिया, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम नहीं कोई उपकारी। है देवी तुम धन्य हो जो आज तुमने फिर राम कथा की चर्चा मुझसे की। अभी वही है, वहां से भटके नहीं है। तो मैं घुमा के लेके जाऊंगा छतरी से चन्नाल और वापस गोपालपुरा लाऊंगा। क्या? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम नहीं कोई उपकार। देवी धन्य हो तुम जो आज राम के विषय में आपने मुझसे पूछा। अब सुनना, यहां से सुखदेव जी की उत्पत्ति बताइए जो भागवत आपको सुना रहे हैं। बक्ता हो सुखदेव जी जैसा और श्रोता हो राजा परीक्षित जी जैसा। पर अभी तो जन्म की कथा सुनो विस्तार पूर्वक। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, तुम सम नहीं कोई उपकार। धन्य हो देवी। अच्छा, धन्यवाद तो नारद जी का करना चाहिए जिन्होंने इस जगह पर लाकर छोड़ दिया।
पर बाबा शंभू कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम नहीं कोई उपकारी। ठीक है, आज मैं तुम्हें अमर कथा का ज्ञान दे ही देता हूं। अब साहब दोनों में इस प्रकार की विधि पूर्वक बातें हुई और राम कथा के लिए माता ने बाबा शंभू से आग्रह की और बाबा शंभू आज मां भगवती की उस अमर कथा को सुनाने के लिए जा रहा है। पता है तुम्हें अमर कथा क्या है? अमर कथा है श्री रामचरितमानस की कथा। कौन सी कथा? श्री रामचरितमानस की कथा। कल चलेगी पूरा दिन, पूरे पूरे विधि पूर्वक 4 घंटे, 5 भी हो जाए तो चिंता नहीं है, क्योंकि 5वें घंटे 4-5 घंटे में तो हमें कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाना है धूमधाम के साथ में, आनंद के साथ में। और कल सभी अपने अपने घर से दूध दही मक्खन मिश्री पकवान नाना प्रकार के लड्डू गुलाब जामुन बर्फी बालूशाही सब बना के ला जो ऐसे ऐसे क्यों करो पानी आ गया। जैसे गुलाब जामुन बर्फी की तो सब बड़ा खुश हो गया। कल तुम्हें दही खिला जाएगा वो भी बिना शक्कर का। अब बताओ बिल्कुल खट्टा, क्योंकि कल कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। आज का वृतांत सुने पहले गुलाब जामुन भी मिल जाएंगे, किस्मत में होंगे तो चिंता मत करो। अभी थोड़े दिन बाद शादी विवाह चालू होने वाले, वो कहीं कहीं तो हो भी गए, हो गए नहीं? अब ऐसे ऐसे जवान मत कर जो। अब तो न्याय कह के मुंह में पानी। आज महाराज जब रामचरितमानस की कथा होने जा रही है और सुखदेव जी का जन्म होने जा रहा है तो वृतांत कुछ इस प्रकार है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम नहीं कोई उपकार। जो इतना बड़ा उपकार किया है कि आज मैं राम का नाम इफ जीवा से आपको कहूंगा। लीला वही राम की चल रही है, राम नाम की महिमा चल रही है। आज जब बाबा शंभू ने अपना डमरू बजाया, यू कहते हैं कि कथा सुनाने के लिए गए तो साथ में जो बिच्छू ततैये थे ना उनको रास्ते में छोड़ा, कई ये अमर हो जाएंगे तो कलयुग में दुखदाई बनेंगे। संग में था एक तो बाबा शंभू का डमरू और दूजा त्रिशूल। यदि ये सांप बिच्छू कथा सुन ले और ये अमर हो जाए तो अब तो कलयुग में हमें जीवन मिल देते हैं। ये भगवान शंभू के आभूषण है, इनको रास्ते में उतारा। अभी आप यही आराम करो जब तक हम हमारा कार्य विधि पूर्वक करते आ रहे। जाकर बाबा शंभू ने अपना डमरू बजाया।